देखिए, मसला ये है कि ये जो पैसे की लेन देन है ना, भले वो ज़मीन बिक के नहीं दे रहा और ये वो, किसी के पास आपके पैसे फंस गए हैं, ये सबसे मुश्किल काम होता है, नियर टू इम्पॉसिबल होता है निकालना, ख़ास तौर पे बड़ी अमाउंट। छोटी अमाउंट 10-15 हज़ार 20 हज़ार तो आ ही जाती है। दुनिया जहाँ ने इसके ऊपर वज़ायफ़ की थप्पी लगा दी है, जी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह जो है, एवरीवेयर हैज़ लेफ्ट समथिंग कि ये किसी तरीके से पैसे निकालने का कोई ज़रिया बने। लेकिन ये ज़रिया जो है ना, मैं बता सकता हूँ आपको किस तरह बनता है। इसके लिए जो है, जो वजीफ़ा दिया जाए, जो भी पढ़वाया जाए, जो पढ़वाने वाला है, जो बेसिकली उसका, जिसके पास तसर्रुफ़ है उस वजीफ़े का, कि वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकता, तसर्रुफ़ इसको कहते जी हैं जी कि कहीं भी इस्तेमाल, भाई जी प्लीज़ 2 मिनट, वो जो है तसर्रुफ़ कहीं भी इस्तेमाल कर लें। चीज़ ये है कि वो जब दे रहा हो, वो इस वजह से दे कि अल्लाह ताला की मदद इनके साथ शामिल हाल हो जाए। जो हमारा तरीक़ाकार है वो ये है, तो अल्लाह ताला की जब मदद शामिल हाल होती है, तो जब दुआ मांगता है आदमी, तो इसको मतलब फरिश्ते जो है वो इबादत ऊपर लेके जाते हैं कि दुआ ये थी। अब वो कब कबूल करे ना करे वो एक अलग स्टोरी है, बट वजीफे के कानून में ये सबसे मुश्किल काम है, किसी से पैसे निकलवाना, किसी को दिया हुआ माल।